हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो हमारी होने वाली है फुल्ली वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोगों के लिए, उनके लिए स्नैक्स होने वाले हैं हाई प्रोटीन वाले। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, आपका बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस आ गए हैं किचन में। ये हमने रख दी है अपनी सोयाबीन चंक्स को, हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। अगर आप भी अपना नमक ऐड करना चाहते हैं तो नमक ऐड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। इतने ये उबल रहे हैं, इतने हम अपना सब्जी वगैरह काट लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम कट कर रहे हैं अपनी प्याज। प्याज को कर ले रहे हैं कट, फाइन चॉप करेंगे। आधी आधी प्याज काट रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं काटनी है। ये देखिए इतना फाइन करना है, ज्यादा फाइन भी नहीं। ये आ गया हमारा प्याज, ये देखिए हाफ प्याज हो गई है। शिमला मिर्च की हम ले लेंगे, ये आ गई एक, ये एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं बस। ये देखिए इधर ये भी हो रहा है हमारा, ये देखिए इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा गैस स्लो कर लेते हैं। अब ये शिमला मिर्च मैंने सारी एक लाइन में लगा दी है ताकि जल्दी कटेंगी। ये देखिए ये आ गया हमारा। अब इसको ऐसे घुमा के कट कर लेते हैं दो पीसेस में। ये देखिए कट गई शिमला मिर्च भी। अब हम ले लेते हैं अपना टोमेटो। ये आ गया हमारा टोमेटो। टोमेटो भी छोटे छोटे, ज्यादा नहीं कट करने। ये देखिए ये जैसे हम कट करेंगे इसको, और इसको ऐसे घुमा के बस एक कट मार। ये कट गए, ये हो गई है हमारी सब्जी तैयार। सब्जी तैयार होने के बाद अब हम अपना बरी को देख लेते हैं कितना हो गया। देखिए बरी भी हमारी लगभग हो ही चुकी है, तो इन्हें बाहर निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारी बरी हो चुकी है। अब मैं इसका पानी निकाल लेता हूँ और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेता हूँ एक बारी, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने रख दिया पैन, और पैन के अंदर आने वाला है हमारा देसी घी। ये आ गया हमारा देसी घी। देसी घी हमें ज्यादा नहीं डालना है, हमें जो ये है ये डालना है, फालतू नहीं डालना है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर घी डाल लिया है, और ये मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप भी कर लिया है। सबसे पहले क्या डालते हैं, आप सबको पता ही है हमारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी सारी इसके अंदर। ये आ गई हमारी सारी वेजिटेबल्स, और इसको मिक्स करने के लिए चम्मच आ गई है हमारी। ये रही हमारी चम्मच मिक्स करने के लिए। ये देखिए बड़े बड़े मैंने जानबूझ के काटे, क्योंकि मैं इसे स्नैक्स के तौर पे यूज करने वाला हूँ। ये देखिए ये हमने कर लिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्ट होने देंगे। इतने हम इसके अंदर मसाला वगैरह डाल लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालने वाले हैं अपना मैगी मसाला। मैगी मसाले से यार टेस्ट जो आता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो ये आ गया हमारा मैगी मसाला, ये हमने डाल लिया। मैगी मसाला हो गया। अब मैगी मसाले के बाद इसमें हल्की सी आ जाएगी लाल मिर्च। ये आ गई हमारी लाल मिर्च। देखिए लाल मिर्च आने के बाद इसके अंदर हल्का सा नमक लेंगे, नमक ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज हमारी बरियों के अंदर नमक पहले से पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम नमक ज़्यादा नहीं लेंगे। ये आ गया हमारा नमक। फिर नमक के आने के बाद इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और आएगा जो आपको भी ऐड करना चाहिए। देखिए पहले मैं ये इसके अंदर कुछ आ गया है, कल हाथ जल जाएगा यार। मिर्च का ही पीस है ये, सही मिर्च है ये। तो अब इसके अंदर एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा निलौन का शेजवान चटनी। इतना ही यूज़ करने वाले हैं। गैस कर देते हैं स्लो, और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये हो गया हमारा मिक्स। ये देखिए कितने बड़े तरीके से मिक्स हो गया है। अब ना टाइम वेस्ट करते हुए आप सिर्फ इसको एक मिनट के लिए ना ऐसे ही रखे रहने देंगे। एक मिनट के लिए इसको करने दे रहे हैं, एक मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहेगा ये आराम से। और ये हो रहा है इतने, मैं इसके ऊपर साथ के साथ बरी भी डालता जाऊंगा। जैसे ये होता रहेगा मैं इसके साथ चंक्स भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए ये देखिए चंक्स डालता रहूंगा मैं ऐसे ही, और ये इसके अंदर पकता भी रहेगा इतने। अगर आप इसको बॉईल कर लेंगे ना चंक्स को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हाफ डन तो तभी हो जाते हैं, क्योंकि चंक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार पकाने के लिए। तो ये उबलते टाइम ही पक जाता है एक तरीके से काफ़ी हद तक। और यहाँ पे हम इसको बस हल्का सा फ्राई कर लेते हैं,
ताकि मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए और बढ़िया टेस्ट दे हमें। और हाई इन प्रोटीन है तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, प्रोटीन तो आपको फुल मिल ही रहा है इसके अंदर। हम अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। तो ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बस इसे हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है, 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में इसकी कहानी डन है बिल्कुल। ये देखिए तो ये हो चुका है, उसको हम पलट लेते हैं प्लेट में। ये देखिए आ गया हमारे प्लेट के अंदर पूरा हमारा रेसापा। अब चलते हैं इसको और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये रेसिपी हमारी तैयार है, अब सीधा इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये लग कैसी रही है। खाने में बिल्कुल ये चिकन की तरह लग रही है मुझे, जैसे मैं ज़्यादा चिकन खाता हूँ तो मुझे चिकन की तरह ही लग रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाना चाह सकते हैं, खा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर उसको बना के ट्राई करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस गेम्स।